को मिली बड़ी सफलता। टूरिस्ट बस से 1.5 करोड़ की कीमत का 14 क्विंटल गांजा बरामद करते हुए 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्कर गांजे की यह बड़ी खेप उड़ीसा से आजमगढ़ के लिए ले जा रहे थे। तस्करों ने टूरिस्ट बस का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि पुलिस किसी तरह शक न हो, इसलिए टूरिस्ट बस से गांजा तस्करी की जा रही थी। 14 क्विंटल 10 किलो जो करीब 47 बोरे में गांजा रखा हुआ था, बरामद हुआ है। एक वोल्वो बस है आंध्र प्रदेश का, उस पर नंबर है। ये उड़ीसा से इन लोगों ने माल उठाया था इसको जो है, और इसको आजमगढ़ इनको डिलीवरी करनी थी। जिसको डिलीवरी करनी थी उसका भी नाम इनको मालूम नहीं है। ड्राइवर जो है पूछताछ में उसने ये बताया है कि के राजू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जब ये आजमगढ़ पहुंच जाते तो वहाँ पे के राजू को फ़ोन मिलाते और इसके बाद फिर के राजू उससे बात करते तो वो आदमी वहाँ आके वो उसको जो है सामान को ले लेता। तो अभी के राजू की और भी गहराई से तफ्तीश की जा रही है। जो भी है अभी 4 लोग पकड़ में आए हैं ड्राइवर सहित, और कुल 14 क्विंटल और 10 किलो गांजा बरामद। कीमत कितनी होगी इसकी? कीमत करीब 1.52 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। क्या इसके पहले भी अच्छा ये लोग वोल्वो बस से ही क्यों ले जा रहे थे गांजा? क्योंकि और भी गाड़ी से तो ले जा सकते थे, तो उसके पीछे क्या? बिल्कुल, इसका भी एक रीजन है ना कि इससे इसको कोई इस पर सस्पिशन नहीं होगा, और इसको टूरिस्ट उसके बहाने कि काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, तो उससे फिर जो है थोड़ा सा जो है इसको जो है छुपाने में आसानी हो जाती है। छोटी गाड़ियों पे पुलिस का भी शक ज़्यादा रहता है, तो उसकी चेकिंग भी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी हो सकता है ये इस्तेमाल किए हों बड़ी गाड़ी को। इनके साथ कुछ टूरिस्ट भी थे जिसमें ये बस लेके चले, तो कुछ टूरिस्टों को भी? हाँ ये हैं, इनको टूरिस्ट की तरह ही इन्होंने रखा था। जो ये तीनों पकड़े गए हैं इनको टूरिस्ट की तरह रखा था उसने बस में।